जे सारी छोरियां ऑटो रिजेक्टेड, क्योंकि जे छोरा अब मारा हुआ। एक काम करते हैं, हम खलिया का स्वयंवर रखते हैं। मान लीजिए आपकी खलिया से शादी हो चुकी है और आप खलिया के साथ बाजार में घूमने निकली हैं और अचानक एक खूबसूरत सी लड़की खलिया को छेड़ने आ जाती है, आप अपने सुहाग की रक्षा कैसे करेंगी? ये भैया झन्ना तेरा मजबूत। क्या बात है। तो पहला टास्क समाप्त हुआ जिसमें से तीन लड़कियां जीती हैं और दो लड़कियां हार गई हैं। तो अभी जो तीन जीती हैं वो अगला पड़ाव यानी कि अगला टास्क खेलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दूसरा टास्क। चलिए, तो दूसरा पड़ाव भी यहां समाप्त हुआ। इसमें सिर्फ दो लड़कियां जीत पाई हैं और एक रिजेक्ट होती है। तो अब हम शुरू करते हैं तीसरा टास्क। तो चलो फिर अगली चुनौती शुरू की जाए। अरे तुम्हारा समय समाप्त हुआ भाई। नेक्स्ट।
Congratulations. काजल जी बताइए ना, किरण आपको कैसी लगी? अरे खलिया, इससे अच्छी लड़की तो थारे को मिल ही ना सके से। अरे भाई, हमको ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि खलिया के स्वयंवर और सारे टास्क की एक अकेली विजेता है किरण कुमारी। अबे टोपा, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खलिया और किरण में लड़का कौन है और लड़की कौन है? क्या कह रही हो? अच्छा, अरे वाह भाई वाह। अरे मुखिया जी, अरे हमारी चमेली कह रही है कि उसे किरण खलिया के लिए बहुत पसंद है। तो चलिए हम आपको बता दें कि अब बड़ी धूमधाम से हम खलिया का विवाह करेंगे किरण के साथ। मारो तालियां। हमारे होते हुए ये शादी कभी नहीं हो सकती। आपकी वाहवाही तो हम होने नहीं देंगे गांव में, कुछ ना कुछ फंदा जरूर फंसाएंगे आपके पांव में। सीधा आदमी कैसा, धनी राम जैसा। हमको ये बात की बहुत खुशी है कि खलिया के लिए लड़की फाइनल होगी शादी के लिए, है ना? लेकिन एक प्रॉब्लम है, लड़के के घर में कोई औरत नहीं है शादी संभालने के लिए। एक औरत है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, क्या करे? हमको लगता है खलिया की शादी हम अपने ही घर से कर डालते हैं। हाँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? एजी, ओह सुन ली क्या? बोलो। इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? आपको तो दो दो बार शादी करने का अनुभव है। सो तो है, तुमको भी तो मरने का अनुभव है, एक बार और मर के दिखाओ। अनुभव है। आप भी ना। कहाँ से? देखिए, जब आपने उसकी शादी करने का जिम्मा उठा ही लिया है तो अब इसमें टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है ना? जब ओखली में सर डाल ही दिया तो मूसल से क्या डर। ये हुई ना बात। पापा, हमने खलिया की शादी के कार्ड पूरे गांव में बांट दिए। अच्छा, पूरे गांव को शादी का भगवान, लगता है ये लड़की हमारे खेत भी बिकवा के रहेंगी। अच्छा सुनो, एक बात तुमको बतानी है कि हमने तय किया है कि अब ये शादी हमारे ही घर से होगी। अरे वाह। हाँ? अब क्योंकि सारे कार्यक्रम यहीं होंगे तो लड़की वालों को जाके बताना तो पड़ेगा ना कि सीधा वो यहीं पर आए। महाराज भी यहीं से निकलेगी और डोली भी, है ना? ठीक से बापू, तो एक काम करते ना, अभी चल पड़ते हैं किरण के घर। हाँ। उसका पता तो है तुम लोग के पास? पता तो पता है पापा, लेकिन ये नहीं पता है कि उस पते पर पहुंचना कैसे है। अरे वो तो पता चल जाएगा, लेकिन पता है कहाँ? पता राधिका के पास से। अरे तो बुलाओ ना उसको। 1 2 3 राधिका। मशीन पहनी है क्या वो? राधिका। अरे दाता के नाम पे 2 रुपए दे दे रे बाबा। अरे 2 रुपए क्या होता है, अभी दाता के नाम पे 10 रुपए दे दे बाबा। तू तो कौन मांगता है? अरे 2 रुपए भी नहीं है, 1 तो दे दो। इतनी बड़ी भैंस ले जा रहा है यार, 5 रुपए नहीं देगा क्या? अरे 2 रुपए दे दे भाई। बापू, ये तो वही मुखिया जी हैं जिन्होंने मेरी शादी फिक्स करी है। अच्छा, हाँ तो आंदे आंदे, इससे भीख मांग लेंगे, हमें किस बात की शर्म। ठीक है बापू। अरे सुनिए, इस पता का आपको कुछ पता है कि कहाँ है? जरा देख लेते हैं। उका है कि बिजी है बहुत, वरना हम ही आपको वहीं छोड़ाते। काफी जाने दे उसको तो। अरे अरे सुनो सुनो, अरे ये लड़की तो वही है किरण जो कल प्रतियोगिता जीती थी। अरे हाँ, यो तो वही से। जो दे उसका हो भला, जो ना दे उस पे गिरे भला। अरे हम पर भला काहे गिरा रहे हो, हम तो यहाँ भला करने आए हैं। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस तरह? तुमको शर्म नहीं आती ऐसे नीच रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हुए? अरे आपको हम जैसे भिखारियों के पास आने में शर्म नहीं आती, तुमको भीख मांगने में क्यों शर्म आएगी?
ये कौन है तुम्हारा साथी? साथी? अरे ये तो हमारे माए बाप है। माए बाप? हमारे पापा। एक बात बताओ, जब कल हम तुम्हारा खलिया के साथ रिश्ता करवाए थे तब तुमने अपना फैमिली बैकग्राउंड हमको काहे नहीं बताया? बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं यार, योर बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। दिखाओ। ये देखो, देखो देखो ढंग से, आप भी देखो। इससे सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए क्या आपको? ये देखो, देखो देखो ढंग से, आप भी देखो। इससे सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए क्या आपको? पापा इतने कार्ड्स तो आपके पास भी नहीं है। हाँ चुट्टे पकड़ा। पापा बाबू सिक्का। ये लो और दे दो। अरे इनका बैकग्राउंड चाहे कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, लेकिन स्टेटस बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ सर। मैं तो कहता हूँ कि आप ना ये शादी कैंसिल करा दीजिए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, देखो हमारी बात समझो, पता नहीं कल जब ये लड़की वहाँ प्रतियोगिता में आई थी तब तो अच्छी खासी दिख रही थी, आज यहाँ खड़ो की भीख मांग रही है तो एकदम बेकार लग रही है। लेकिन हमको यकीन है अगर ये खलिया की बहू बनकर आ गई ना तो एकदम टीवी सीरियल की सुंदर बहू जैसी दिखने लगेगी। हमारी बात को समझने की कोशिश करो। देखो अगर ये दूसरा रिश्ता भी टूट गया ना तो खलिया का दिल ही टूट जाएगा। हमको क्या करना चाहिए, इनकी असलियत को छुपाकर इस लड़की की खलिया से शादी करवा देनी चाहिए। हाँ अगर इस लड़की की शादी हो गई तो इसकी तो जिंदगी सुधर जाएगी ना, समझ रहे हो ना? देखिए भाई साहब, हम खलिया से आपकी शादी कराना चाहते हैं, मतलब आपकी बेटी की शादी कराना चाहते हैं, तो आप दोनों को हम शादी के लिए ले जाने आए। अच्छा ऐसे ही आए हैं? हम क्या ऐसे ही जाएंगे? अरे हम तो होने वाली दुल्हन है, हम तो कार में जाएंगे। कार लाए हैं क्या आप? कार? कार तो नहीं लाए हैं। तो बेकार आए हैं। देखिए भाई साहब ऐसा है, आप हमारे लिए कार भिजवा देना तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे अगर इन लोगों को कार नहीं दी तो ये लोग तो पक्का नहीं आएंगे। ठीक है, हम आप दोनों के लिए कार भिजवा देंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। तैयार रहेंगे। पापा आपके पास इतने छुट्टे कहाँ से आए? पापा के पास बस छुट्टे ही तो रहते हैं। मैंने कहा छुट्टे नहीं छुट्टे। अरे दादा के नाम पे दे दे रे बाबा। चमेली बैठी हुई है। अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कम से कम आप कपड़े तो चेंज करके आते। अरे भाई साहब आपने 10 रुपए हमारे हाथ में रखे और 5-5 रुपए हमने खुद के लूट लिए, टोटल कितने हुए? 20 रुपए। अब 20 रुपए नए कपड़े कहाँ से आते हैं? किराए की लुंगी तक नहीं मिलती भाई साहब। अरे लेकिन फिर भी एक तरीका, आप हमारे पैसे। ओह और पैसे, अरे बीना ला रहे ला रहे ला रहे। सुन ली तुम बता, पैसा दो। 300 रुपये है? हाँ जल्दी जल्दी। अरे बेबी दो। अरे यहाँ पे सिक्का गिरा वहाँ पे वो गिरा, अगर
किसी को मालूम पड़ गया इस तरह की पैसे पैसे लपक रहे हैं तो जान नहीं जाएंगे ये लोग भिखारी हैं। भाई और अगर किसी को मालूम पड़ गया ना इनकी असलियत क्या है तो रिश्ता फौरन टूट जाएगा। हमको तो भुला ही गया। ठीक है ठीक है चलिए इनको अंदर लेके चलते हैं। राधिका मीनाक्षी एक काम करो कि हम लोग इनको कमरे के अंदर ले जा रहे हैं तुम लोग यहाँ डटे रहो है? किसी को कमरे के अंदर आने मत देना है? हम लोग पीछे के रास्ते से जाते हैं तो तुम लोग क्या करोगे? किसी को कमरे में नहीं जाने देंगे। हाँ करेक्ट। चलो 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 कम से कम नहा तो लेते। ये बात है खलिया का ससुर भिखारी है सिक्का उछाल के। अब ये बात हम मनोहर मामा को बताएंगे नमक मिर्च डाल के। देखिए सिर्फ हम लोगों को नहीं आप लोगों को भी इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी को ये पता ना चले कि आप लोगों की असलियत क्या है। नहीं लेकिन अगर लोग हमको पहचानेंगे नहीं तो हमको भीख कैसे देंगे? सही बात तो है। छुट्टा चाहिए छुट्टा। अरे आप यहाँ बिटिया की शादी कराने आए हैं जब भीख मांगने? नहीं नहीं आए तो हम बेटी की शादी करवानी है लेकिन क्या ना लगे हाथ थोड़ी सी इनकम हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। छुट्टे चाहिए छुट्टे। नहीं नहीं अरे आप समझते का है नहीं है आप ऐसे लपक लपक के अगर छुट्टा उठाएंगे या किसी को छुट्टा देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मीरा सबसे पहले इनको नहलाओ। इनको कपड़े दिला ना तो लेंगे ना आप? हाँ खुद ही नहा लेते हम तो। हाँ बैठे क्या हमारा होने वाला समधी भिखारी? हाँ अरे आपके होने वाले समधी तो भिखारियों के बड़े ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हैं। भिखारियों का भी घराना होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हमका झूठ बोल रहे हैं सर्र से। आप खुद जाके देख लीजिए फर्र से। ठीक है हम जाके देखते हैं। अरे रुकिए 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 क्या एक अब देखना ही है तो जरा कायदे से देखिए ना। अच्छा अरे आपके लिए नहीं है। जब वहां जाएंगे तो जैसे ही आप इस सिक्का जमीन पे फेंकेंगे टन से फिर देखिएगा कैसे उसे लूटने के लिए वो कूद जाता है झन्न से। पक्का ना? एकदम पक्का। लगता है मामा अंदर जा रहे हैं। खलिया को छोड़ो पहले मामा को मेहंदी लगाओ। अरे लेकिन बिटिया हमको मेहंदी किस लिए? अरे मामा जी लड़की के बाप को भी मेहंदी लगाना जरूरी होता है। अरे नहीं 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 बाप को ना तो आपको मेहंदी लगाओ अपने आप को। अरे मामा जी आप भूल गए के कि खलिया के बापू आप ही से है। अरे हाँ अरे ये जो बात है ना वो चाणक्य की मौसी के बेटे ने हमको एक बार याद दिलाई थी। तब ये सारे कपड़े हैं अब इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप पहन लीजिए लेकिन जरा जल्दी कीजिए टाइम बहुत कम है। ये सारे में से ही? हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। ये कैसा लगेगा देख? नहीं बापू ये कौन पहनता है? मैं ये ले सकता हूँ? हाँ हाँ जो अच्छा लगे। इसको मैं यहाँ डाल लूंगा। मस्त है पहन के आती हूँ। अरे 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 बेटा देखो हमारा हो गया अब हाँ। खलिया को लगाओ। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मामा जी अभी तो दूसरा हाथ बाकी से है। हाँ अरे भाई तुम लोग समझते काहे नहीं? ए लड़पुत्ते का नाती मनोहर बैठ बैठ मेहंदी लगा। अरे भाई अब नहीं ना बैठता है कि मैं बंदूक लाओ अपनी। अरे बैठाओ अरे मरवा डालोगे क्या? लगाओ ना तुम लोग भाई। मुझे भी लगाओ। हाँ शाबाश लगाओ लगाओ अच्छा नक्शा निकालना है फुर्सत निकाल के। हाँ अब दोनों एकदम बढ़िया लग रहे हैं। अब ऐसा कीजिए जिस रास्ते से आप आए थे ना पीछे के रास्ते से निकल के सीधा मेन डोर से एंट्री कर दीजिए ताकि लोगों को आपके बदले हुए रंग रूप पे कोई शक ना हो। समझ रहे ना? चलिए 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 देर हो रही है चलिए जल्दी चलिए 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 हो गया अब होगी खलिया की शादी। नहीं
ये कहा था? अब नहीं लगवाना हमको मेहंदी। हाँ अब चाहे सर फूटे चाहे माथा, और चाहे गोली मार दो माता, अब हम नहीं लगवाएंगे। हाँ कहा हो गया, कौन चिल्ला रहा है? कहा हो गया, कहा हुआ, कहा हुआ? अरे वाह, आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? अरे धनी राम कह रहा है कि मेरे होने वाले समधी भिखारी हैं,